इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमओ के अंदर, जैसे हम जो हमारा यूज़र नेम होता है, अब जैसे हम उसको चेंज करते हैं तो वहाँ पर ये चेंज नहीं हो पाता। जैसे यूज़र नेम बनाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको दिस यूज़र नेम वाज ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन बताएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अब जैसे यहाँ पर अपना नाम हम यूज़र नेम सिलेक्ट करते हैं उसको, और वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। तो कैसे उसको अवेलेबल करा सकते हैं हम, इस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, अब यहाँ पर आईएमओ के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, 100 मिलियन से भी ज़्यादा, और 100 मिलियन से ज़्यादा हैं तो हर एक पर एक पर्टिकुलर यूज़र नेम होता है। अब जो बनाता है या फिर जो उसके पास ऑलरेडी बना हुआ आता है तो उसके पास पर्टिकुलर एक यूज़र नेम होता है। अब उस आपको सबसे यूनिक बनाना है, आप सबके जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे यूज़र हो गए, 100 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, और सानों नाम बहुत ज़्यादा यूज़र ने रख रखा होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ ऐसी लगाएंगे जिस पर पूरे के पूरे 100 मिलियन लोगों ने नहीं लगा रखा होगा। जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपना नाम, लिखा मैंने यहाँ पर आगे को अपने जो कुछ भी है हमारा वो लगाते हैं, तो अभी ये नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पर आई की जगह ई लगाता हूँ तो ये अवेलेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यूनिक है, और मैं आई लगाता हूँ ये पूरा नाम हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं आगे डॉट लगाता हूँ तब भी हो जाएगा, और कोई सा भी वर्ड लगाता हूँ तब भी हो जाएगा, एक लगाकर देखता हूँ तो एक भी हो जाएगा, क्योंकि अभी इतने भी ज़्यादा नहीं है कि हर यूज़र नेम आपका नहीं आया। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको यूनिक रखना है, तो आपकी जो ये दिस यूज़र नेम ऑलरेडी टोकन वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा आपके आईएमओ के अंदर से। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।